आज हम सीखेंगे दिस और दैट के बारे में। हेलो बच्चों, मेरा नाम है टीना और मैं आज आपको बताऊंगी दिस और दैट का यूज हम कब और कहां करते हैं। तो चलो शुरू करें। दिस नियर, दिस का रिलेशन है नियर से, मीन्स जो चीजें हमारे आसपास है, हमारे नियर है, उसके लिए हम यूज करेंगे दिस। दैट फार, दैट का रिलेशन है फार से, मीन्स जो चीजें हमसे दूर है उसके लिए हम यूज करेंगे दैट। जो चीजें फार है, दूर है, उनके लिए हम यूज करेंगे दैट। This, near, that, far. Okay? अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। एप्पल, ये एप्पल मेरे पास है इसलिए मैं इसके लिए यूज करूंगी दिस। वैसे ही यह एप्पल मुझसे दूर है इसलिए इसके लिए मैं यूज करूंगी दैट। ये बॉल मुझसे नियर है इसके लिए मैं यूज करूंगी दिस। और ये दूसरी बॉल जो मुझसे फार है उसके लिए मैं यूज करूंगी दैट। ये डॉल मेरे पास है, नियर है, इसके लिए मैं यूज करूंगी दिस। और यह डॉल मुझसे दूर है इसके लिए मैं यूज करूंगी दैट। यह बलून मेरे पास है तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी दिस। वैसे ही यह बलून मुझसे दूर है उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी दैट। तो चले कुछ एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि दिस और दैट का यूज हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। यह साइकिल मेरे पास है इसके लिए मैं यूज करूंगी दिस। और दिस को मैं सेंटेंस में कैसे यूज करूंगी, चले देखें। दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ साइकिल। इसी तरह ये साइकिल मुझसे दूर है इसके लिए मैं यूज करूंगी दैट। और दैट के लिए सेंटेंस बनेगा दैट इज अ साइकिल, दैट इज अ साइकिल। ये एक ट्री है जो मेरे पास है इसके लिए मैं यूज करूंगी दिस। और सेंटेंस बनाऊंगी दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री। और ये दूसरा ट्री जो मुझसे दूर है उसके लिए मैं यूज करूंगी दैट। और सेंटेंस बनेगा दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। यह एक बुक है जो मेरे पास है इसके लिए हम यूज करेंगे दिस। और सेंटेंस बनेगा दिस इज अ बुक। और यह बुक जो मुझसे दूर है इसके लिए मैं यूज करूंगी दैट। और सेंटेंस बनाऊंगी दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। इस पेंसिल के लिए मैं यूज करूंगी दिस, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल। और यह पेंसिल मुझसे फार है, मुझसे दूर है, इसके लिए मैं यूज करूंगी दैट इज अ पेंसिल, दैट इज अ पेंसिल। This is a car, this is a car. That, that is a car, that is a car. This is a dog, that is a dog.
This is a cat. That is a cat. This is a cup. That is a cup. Thanks for